अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शीरिन काजी। आज हम बना रहे हैं कच्चे गोश्त की चिकन बिरयानी। देखिए, दिखने में ही माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। बहुत इजी एंड सिंपल सी रेसिपी है ये। इसको बनाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आप इसको बार बार बनाने का दिल चाहेगा आपको। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं हम। देखिए, मैंने इधर चिकन ले लिया है। जिस बर्तन में हम बिरयानी बनाते हैं उसी बर्तन में ही चिकन को मैरिनेट करेंगे हम। देखिए, मैंने इधर एक कटोरी दही डाला है और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मीडियम साइज में कटे हुए टमाटर। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी हम मसालों को इसमें डाल देंगे। देखिए, मैंने इधर पुदीना और धनिया पत्तों को तल लिया है ऑयल में और प्याज को भी तल लिया है। अभी इसको भी हम इसमें डाल देंगे। बस थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए बिरयानी पे। अभी हम इसमें डालेंगे 5-6 हरी मिर्च और 1/2 लेमन जूस। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी फूड कलर, रेड कलर का। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है, मैंने दिखाना भूल गई थी। अभी हम इसको ढककर 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। देखिए, मैंने चावल को पकने के लिए रख दिया है। मैंने 2 गिलास चावल लिया है, इसलिए 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ। मैंने चावल को 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अभी हम इसमें डालेंगे 3 तेज पत्ता, 2-3 दालचीनी के टुकड़े और 3 इलायची और 4 लवंग और 1 चम्मच घी। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें और थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 90% उतना ही पका लेंगे चावल को। देखिए, चावल अच्छे से पक चुके हैं। जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल लेंगे। देखिए, मैंने इधर निकाल लिया जो एक्स्ट्रा पानी था। देखिए, माशाल्लाह हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। हमने 2 घंटे के लिए उसको मैरिनेट किया था। अभी हम इसमें पकाया हुआ चावल डाल देंगे। देखिए, बहुत इजी एंड सिंपल सी रेसिपी है। आपको इसको अलग से चिकन बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो पकाया चावल है इस पे और सिर्फ 15 मिनट के लिए रख देंगे चूल्हे पे और बहुत तेजी से पक जाएगी आपकी बिरयानी। देखिए, मैंने सारे चावल को डाल दिया है। अभी हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। और थोड़ा सा गरम मसाला। और ऑरेंज फूड कलर। और तली हुई प्याज और धनिया और पुदीना के पत्ते और 1/2 लेमन जूस और 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे ऊपर से।
अभी हम इसको चूल्हे पे रख देंगे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। देखिए मैंने इधर बर्तन को चूल्हे पे रख लिया है, हाई फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद 10 मिनट होने के बाद हम तवा रख लेंगे, तवे पे 5 मिनट के लिए पका लेंगे स्लो फ्लेम करके। देखिए माशाल्लाह हमारी बिरयानी अच्छे से दम हो चुकी है, चिकन भी अच्छे से पक चुका है क्योंकि हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था और चिकन भी बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए मैंने चाकू डाल के देखा, मसाला कुछ भी नहीं लग रहा है इस पर माशाल्लाह। देखिए मैंने कच्चे गोश्त की चिकन बिरयानी को इधर सर्व कर लिया है, मैंने ऊपर से थोड़ा तली हुई प्याज और पुदीना के पत्ते डाल दिया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।